औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में काम करते समय युवक पर केमिकल गिर गया। इसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनी में काम करने के दौरान मंगलवार को 32 वर्षीय जितेंद्र पिता राधेश्याम के ऊपर केमिकल गिर गया, जिससे वो पूरी तरह से केमिकल से ढक गया। केमिकल युवक की आंख सहित पूरे शरीर में चिपक गया। युवक को घायल अवस्था में उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है, जहां केमिकल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी इस मामले में चर्चा की जा रही है, जिसके बाद युवक की स्थिति को देखते हुए उपचार दिया जाएगा। तो? है? बीड़ी आए। क्या हुआ, वहाँ क्या कर रहे थे तुम? फिर क्या हुआ, उड़ गया आस्था के साथ। क्या हुआ, बनता क्या है? कैसा है, बनता था वही जितेंद्र शर्मा फ्रादी श्याम, उम्र 32 वर्ष, नेपाली है, देवास को लेकर आए थे। फिर किसी कंपनी में काम करता था, वीडीआई करते वो कंपनी बताई है, किसी ने हमको साथ में लेके आए हैं और उसको राइट कलर का कोई केमिकल है, तो उसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर उसका अटैक हुआ है, उसके नोज आई सारी क्लोज है उसके, और हम उसको काफ़ी मशक्कत से कुछ निकाल रहे हैं और हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, क्योंकि उसकी जो सॉफ्ट टिश्यू होता है आंखों के ऊपर, उस पर क्या होता है कि वो अंदर चला गया है, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको निकालने की कोशिश की है हमने, कुछ तो निकाल दिया है, कुछ बचा हुआ है, हम सीनियर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं बच्चे के लिए। ठीक है सर, अभी क्या इसको रेफर करने की स्थिति है क्या, इसको जिस तरह से केमिकल लगा है? अभी हम इसका डिसीजन ले रहे हैं, सीनियर्स का ओपिनियन कराते हैं क्या डिसीजन होता है, अगर गंभीरता को देखते हुए रेफर भी करना पड़ सकता है। कौन सी कंपनी से लाए? ये कोई बता रहे थे बीडीआई कोई कंपनी है, आइए थाना इसमें लगता है, वहाँ से बच्चे को लेके आएंगे। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर शैलेंद्र ओरिया, जिला चिकित्सालय देवास।